दोस्तों आधार कार्ड महज एक पहचान पत्र ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है। कुछ दिनों पहले न्यूज चैनल और अखबारों के माध्यम से पता चला कि आधार कार्ड की जानकारी मात्र 500 रुपये में खरीदी जा रही है, तब से लोगों में अपने आधार कार्ड की सेफ्टी को लेकर चिंता बनी हुई है। बस इसी परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने आधार के एक फीचर वर्चुअल आईडी को इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आप भी अपने आधार नंबर को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो 16 डिजिट वाली वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल आधार नंबर के बेहतर ऑप्शन के रूप में केवाईसी के लिए कर सकते हैं। दोस्तों वर्चुअल आईडी को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य आधार नंबर के लीक होने और उसके दुरुपयोग के मामलों को कम करने के लिए किया गया है। हाय गाइज, आई एम विवेकानंद एंड यू वाचिंग टीटीजी यानी टोटल टीकिया। अगर आपको आधार के वर्चुअल आईडी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है या कोई कंफ्यूजन है या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा या जानना चाहते हैं कि वर्चुअल आईडी जनरेट कैसे होगा या जानना चाहते हैं कि वर्चुअल आईडी जनरेट कौन करेगा या वर्चुअल आईडी क्या है और ये आपके आधार को कैसे सुरक्षित रख सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। दोस्तों वर्चुअल आईडी एक तरह से आधार का क्लोन होगा, यानी आधार नंबर जैसा ही दूसरा आधार नंबर होगा जो हर एक बार बदलते रहेगा, जबकि आधार नंबर कभी चेंज नहीं होता। वर्चुअल आईडी से यूजर की सिर्फ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, पता और फोटो ही शेयर की जा सकेगी। इस वर्चुअल आईडी को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, केवल आधार कार्ड होल्डर ही UIDAI की वेबसाइट या आधार ऐप या आधार सेंटर या केंद्र के माध्यम से इसे जनरेट कर सकेगा। ये वर्चुअल आईडी एक बार से ज्यादा बार जनरेट किया जा सकेगा जो कि एक लिमिटेड के लिए वैलिड होगा। नया कोड जनरेट होते ही पुराना वाला इनवैलिड हो जाएगा। वर्चुअल आईडी का नकल नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों वर्चुअल आईडी 16 डिजिट का नंबर होगा जो आधार नंबर से ही बनाया जा सकेगा। सभी जगह आधार कार्ड आधार नंबर का यूज करना तो हो सकता है, इसके लिए UIDAI ने आधार नंबर छुपाने के लिए वर्चुअल आधार आईडी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। अब कहीं भी आधार नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस ने आधार से वर्चुअल आईडी जनरेट करके वर्चुअल आईडी का यूज कार के बदले करना होगा। अगर हम वर्चुअल आईडी के कुछ दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें इन्फॉर्मेशन की लिमिटेड शेयरिंग प्रमुख है, जहां की आधार कार्ड में मौजूद डाटा का मिसयूज होने से रोकना है। पहले के सिस्टम की बात करें तब इसमें सर्विस प्रोवाइडर के साथ ऑथेंटिकेशन के दौरान 5 चीजें शेयर की जाती थी, जो कि नेम, डाटा और डेट ऑफ बर्थ, फोटो, एड्रेस और मोबाइल नंबर था। लेकिन अभी के नए सिस्टम के अनुसार केवल उन्हीं चीजों के विषय में जानकारी शेयर की जाएगी जो कि ऑथेंटिकेशन के टाइम जरूरत होगी। एग्जांपल के तौर पर देखिए तो अगर आपको नया सिम या मोबाइल कनेक्शन लेना होगा तब आप केवल अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ जरूरत की इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, फोटो, एड्रेस ही शेयर करेंगे। इससे आपके डाटा का मिसयूज नहीं हो पाएगा। प्रश्न उठता है वर्चुअल आईडी इतना सेफ है? दोस्तों यूजर जितनी बार चाहे उतनी बार वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकता है। यह आईडी सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होगा, दूसरा आईडी बनते ही आईडी इनवैलिड हो जाएगा। IDAI के मुताबिक यह लिमिटेड KYC सिस्टम होगी, इसे रिलेटेड एजेंसीज को भी डिटेल की एक्सेस नहीं होगी। एजेंसीज भी सिर्फ आधार वर्चुअल आईडी के आधार पर ही सब काम निपटा सकेगी। लेकिन लिमिटेड KYC की सुविधा आधार यूजर के लिए नहीं होगी बल्कि एजेंसीज के लिए होगी। पहले कोई भी एजेंसीज KYC के लिए आपका आधार डिटेल लेती थी, स्टोर करती थी आधार को। लिमिटेड KYC की सुविधा के बाद अब कोई भी एजेंसीज आपके आधार नंबर को स्टोर नहीं कर सकेगी। इस सुविधा के तहत एजेंसियां बिना आपके आधार नंबर पर निर्भर हुए अपना खुद का KYC करने की इजाजत होगी। एजेंसीज टोकन के जरिए यूजर की पहचान करेगी। KYC के लिए आधार की जरूरत कम होने पर उन एजेंसीज की तादाद भी कट जाएगी जिनके पास आपके आधार की डिटेल होगी। इससे लोगों के आधार डिटेल का मिसयूज नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको वर्चुअल आईडी जनरेट करके एक डेमो दिखा रहा हूँ। मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ, इसलिए मैं आधार के ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI.gov.in पर विजिट कर रहा हूँ। उसमें आपको आधार एनरोलमेंट, आधार अपडेट, आधार सर्विस मिलेगा। उसमें हम VID यानी वर्चुअल आईडी जनरेटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है आधार सर्विसेज में, उस पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप आधार नंबर अपना आधार नंबर फिल कीजिए, उसके बाद सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए और सेंड OTP कर दीजिए। ये OTP आपको आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ये OTP जाएगा। OTP आप जैसे ही फिल करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा और इसमें OTP एंटर कीजिए और जनरेट वर्चुअल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिस पर कि आपका OTP आया है उसी पर वर्चुअल आईडी सेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा के ग्रे कर दीजिए। घंटी के बटन को भी दबा देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।